नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका excelsuperstar.org पे। इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर नेक्स्ट लूप के एक बेसिक एग्जांपल के बारे में। चलिए एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको टीचर ने पनिशमेंट दे दिया बोर्ड पे 1 से 10 इस तरह लिखने के लिए, और आपको लिखना है डायगनली। तो अगर आप ये अपने हाथों से लिखते हैं तो दोस्तों आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? मैं चाहता हूं ये हम मैक्रोस के द्वारा करें। इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूं, आपको बताना चाहूंगा कि मैक्रोस में जब हम कहते हैं सेल्स 1, 1, इसका मतलब ये होता है रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, और ये सेल A1 की तरफ इशारा करता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं सेल्स 2, 1, इसका मतलब है रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1। रो नंबर 2 कौन हुआ? करेक्ट। और कॉलम नंबर 1 कौन हुआ? करेक्ट। उनके इंटरसेक्शन को हम कहते हैं A2। उस तरह रो नंबर 2, कॉलम नंबर 2 को हम कहेंगे सेल B2, राइट? तो चलिए इसी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप आएंगे डेवलपर में और आप आएंगे मेरे साथ विजुअल बेसिक के विंडो पे। आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं शॉर्टकट ऑल्ट F11 के ऊपर, पर फिलहाल मैं क्लिक करता हूं विजुअल बेसिक के ऊपर। दोस्तों आप देख पा रहे हो फाइल का नाम है फॉर नेक्स्ट, और इसमें बहुत सारे शीट्स हैं। इसमें मॉड्यूल है जो कि अगर आप चाहो तो इंसर्ट मॉड्यूल से एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हो। मॉड्यूल के अंदर हम VBA मैक्रोस को स्टोर करते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह मैक्रोस लिखा जाए जिससे फॉर नेक्स्ट का इस्तेमाल हो और मेरा काम भी बन जाए। तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूं सब प्रोसीजर जिसका नाम है फॉर नेक्स्ट लूप। ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो। नाम लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज और प्रेस कीजिए एंटर। अपने आप देखोगे एंड प्रोसीजर आ जाता है। अब मैं लिखता हूं फॉर एक्स इक्वल टू 1, 2, 5, मतलब 5 बार। आप कुछ ऐसा काम करते रहो जो हम बाद में डिफाइन करेंगे, और ये एक लूप में चलता रहे। लूप मतलब इटरेशंस होते रहे जब तक ये कंडीशंस मीट नहीं हो जाते। अब मेरा एक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मेरा एक्शन ये है कि मैं सेल्स ऑब्जेक्ट को चूज करता हूं, रो को डिफाइन करता हूं एक्स के द्वारा, और कॉलम को भी डिफाइन करता हूं एक्स के द्वारा। ब्रैकेट को क्लोज करता हूं और कहता हूं डॉट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि मैं इस सेल में वैल्यू को रीडिफाइन कर रहा हूं। अब आप कहोगे ऋषभ ये एक्स और एक्स किसे दर्शा रहा है? वेल दोस्तों, अगर आप पहली बार जब ये मैक्रो को रन करते हो तो एक्स और एक्स बनता है 1, 1 और 1 हमने अभी कुछ देर पहले देखा था A1। दूसरी बार ये बन जाएगा 2, 2, इसका मतलब B2, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि आप 5 और 5 तक नहीं पहुंचते। तो मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे ये एक्स अपनी वैल्यू बदलती रहे, ये वैल्यू उन सेल्स में आती रहे। तो मैं चाहूंगा दोस्तों ये मैक्रो हम रन करें प्रैक्टिस शीट के ऊपर, और हर स्टेप को हम बड़े गौर से देखें। मैंने अपना कर्सर सबके पहले रखा और मैं प्रेस करता हूं F8। F8 से हर स्टेप एक एक बार आगे बढ़ता नजर आएगा। आप देखोगे जैसे जैसे मैं F8 प्रेस कर रहा हूं, 1, 2, 3 मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अपने आप ऐड हो रहे हैं। प्लस अगर आप इसके ऊपर कर्सर भी रखते हो तो ये काम बनता नजर आ रहा है, लेकिन ये 5 पर आके रुक जाता है। तो क्यों ना मैं इसे 10 कर दूं? और अगर मुझे ये सारे स्टेप्स को एक साथ रन करने हैं तो या तो मैं इस रन बटन के ऊपर क्लिक करूं, और या क्लिक करता हूं फंक्शन की F5 के ऊपर। आप देखोगे एक ही झटके में इसने ये सारे स्टेप्स खत्म कर लिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एग्जांपल फॉर नेक्स्ट लूप का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मैं और भी एग्जाम्पल लूंगा, बट फिलहाल आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं एक फॉर नेक्स्ट लूप जिसमें कहा गया है फॉर ईच SH मतलब वर्कशीट, फॉर ईच वर्कशीट इन द एक्टिव वर्कबुक। आप उनके शीट में सेल B6 पर जाएं और excelsuperstar.org लिख दें। तो अगर मैं ये मैक्रो को रन करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। रन करता हूं, आप देखोगे हर शीट में B6 पर excelsuperstar.org का नाम आ गया है। दोस्तों ये एग्जाम्पल थोड़ा एडवांस है, हम इसे आगे लेंगे, बट सिर्फ इतना कहना चाहता था कि फॉर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लूप है।